व्योमोलॉजी के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक श्रीधर आचार्य के बारे में बात करते हैं, जिनके गणित में महत्वपूर्ण योगदान का अध्ययन अभी भी कई लोगों द्वारा किया जाता है। श्रीधर आचार्य एक भारतीय गणितज्ञ और दार्शनिक थे जो 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व में रहते थे। वर्ग विघात समीकरणों पर अपने काम के लिए जाने जाते हैं और उनके सूत्र का उपयोग आज भी किया जाता है। श्रीधर आचार्य का जन्म भूरिसृष्टि गांव में हुआ था, जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल में हुगली है। उनके पिता बलदेव आचार्य एक संस्कृत पंडित और दार्शनिक थे। श्रीधर आचार्य की शिक्षा पारंपरिक संस्कृत पाठ्यक्रम में हुई, जिसमें गणित, दर्शन और खगोल विज्ञान शामिल थे। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति लीलावती है, जो गणित पर एक ग्रंथ है। लीलावती में अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति और त्रिकोणमिति सहित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। हालांकि लीलावती को द्विघात समीकरणों के उपचार के लिए जाना जाता है। ये भारत में गणित पर सबसे पुराने जीवित कार्यों में से एक है और इसका आज भी अध्ययन किया जाता है। लीलावती द्विघात समीकरणों के उपचार के लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय है। श्रीधर आचार्य द्विघात समीकरणों को हल करने के लिए एल्गोरिथम देने वाले पहले गणितज्ञ थे। उनका सूत्र आज भी इस्तेमाल किया जाता है और इसे श्रीधराचार्य सूत्र के नाम से जाना जाता है। श्रीधराचार्य सूत्र गणित में एक बड़ी सफलता थी और इसने द्विघात समीकरणों को अधिक आसानी से हल करना संभव बना दिया। उन्होंने शून्य पर एक व्याख्या दी। उन्होंने लिखा, यदि किसी संख्या में शून्य जोड़ा जाता है तो योग वही संख्या होती है, यदि किसी संख्या में शून्य घटा दिया जाता है तो संख्या अपरिवर्तित रहती है, यदि शून्य को किसी भी संख्या से गुना किया जाता है तो गुणनफल शून्य होता है। उन्होंने भिन्न को विभाजित करने की स्थिति में भाजक के व्युत्क्रम से भिन्न को गुना करने की विधि खोज ली थी। उन्होंने बीजगणित के व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर लिखा और बीजगणित को अंकगणित से अलग किया। अपने गणितीय कार्य के अलावा श्रीधर आचार्य एक दार्शनिक भी थे। उन्होंने दर्शन शास्त्र पर भाषा प्रच्छेद नामक ग्रंथ लिखा। भाषा प्रच्छेद अद्वैत वेदांत दर्शन की एक व्यवस्थित व्याख्या है, जो हिंदू दर्शन के मुख्य विद्यालयों में से एक है। भाषा प्रच्छेद एक अत्यधिक प्रभावशाली कार्य है और इसका अध्ययन विद्वानों द्वारा सदियों से किया जाता रहा है। इसे अद्वैत वेदांत दर्शन पर सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक माना जाता है। श्रीधर आचार्य के कार्य का भारत में गणित के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ा। द्विघात समीकरणों को हल करने के लिए उनके सूत्र का उपयोग बाद के गणितज्ञों जैसे भास्कर द्वितीय द्वारा समीकरणों को हल करने के लिए और अधिक उन्नत तकनीक विकसित करने के लिए किया गया था। श्रीधर आचार्य एक प्रतिभाशाली गणितज्ञ और दार्शनिक थे, जिन्होंने गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके काम का आज भी अध्ययन किया जाता है और ये दुनिया भर के गणितज्ञों को प्रेरित करता रहता है। अपने विचार हमें टिप्पणियों में बताएं और देखते रहे व्योमोलॉजी। धन्यवाद।